स्टूडेंट वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। माय नेम बिंदु पंड्या। टुडे आई एम टीच यू स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी में। बच्चों हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। यहाँ एक लड़की की स्टोरी है और उसकी पहिया कुर्सी आपको पहचानते हैं हम जैसे आगे आगे स्टोरी पढ़ेंगे और आपको उसकी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ आपको पिक्चर दिया गया है और इसमें एक सुनीता नाम की लड़की है और उसकी हमें एक स्टोरी है, तो यहाँ हमें ये स्टोरी पढ़ना है। तो आपको टेक्स्ट बुक खोल के रखना है और हमारी टेक्स्ट बुक में आपको मेरे साथ ये पढ़ना है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता, तो बच्चों यहाँ एक सुनीता नाम की लड़की है और ये सुबह कितने बजे उठी? 7 बजे। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। कुछ देर तक क्या हुआ? अपने बिस्तर, तो वही बैठ रही, बिस्तर जहाँ हम सोते हैं, हमारा बेड होता है, पलंग होता है, इसको हम बिस्तर बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ उसको सोचते ही ऐसे ही बैठी रही। किसकी बात की है? सुनीता की। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। इसे उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसके बाद वो बिस्तर से ऐसे खड़ी, बिस्तर पर ही ऐसे ही बैठी रही और क्या है, वो सोच रही थी। कौन? वो सुनीता। और उसे लगा आज उसे बाज़ार जाना है और आज बाज़ार जाके उसको क्या क्या लाना है। सोचते ही उसकी आँख में एक चमक आ गई। उसके बाद उसको कुछ काम करना था। सुबह बिस्तर पे उठी और सोचते ही उसको लगा आज उसको क्या कहा जाना था। उसकी आँखों में सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई। क्यों चमक आ गई? सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। क्यों चमक आ गई थी बच्चों उसकी आँखों में? तो आज पहली बार वो अकेले कहाँ जाने वाली थी? बाजार जाने वाली थी। तो यहाँ आपका फर्स्ट पैराग्राफ पूरा होता है। तो आपको फिर से एक बार बता दी, सुनीता की सुबह 7 बजे सोकर उठती है। सुनीता कितने बजे? 7 बजे उठ के उठती है। उसके बाद वो बिस्तर से ऐसे बैठी रहती है और सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। सुनीता बिस्तर पे से खड़ी हो जाती है और बोलती है आज उसको क्या क्या काम करना है। इसे याद आया कि आज उसे बाजार जाना है। उसके बाद उसको क्या हुआ? आज याद आ गया उसको बाजार जाना है। सोचते ही क्या हुआ? उसकी आँखों में बहुत चमक आ गई। देखो, सोचते ही उसकी आँख में चमक आ गई। चमक आ गई तो खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता क्यों आज पहली बार अकेली बाजार जाने वाली थी? उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। वो पैरों से चल नहीं पाती थी। तो तभी बच्चों हम पहिया वाली कुर्सी का हम यूज़ करते हैं। हमारा चैप्टर का हेडिंग भी वही है, सुनीता की पहिया कुर्सी। तो वो अपनी पहिया कुर्सी से ही काम करती थी। तो यहाँ आपने देखा सुबह 7 बजे उठी सुनीता और उसको अपने बिस्तर से खड़ी रह के वो सोचने लगी आज उसको क्या क्या काम करना है। और सोचते ही उसको क्या है, आँखों में चमक आ गई और उसने बोला आज उसको पहली बार
अकेले कहाँ जाना है, बाजार जाने वाली थी और उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। उसके जो बे पैर थे टांगे उसे हाथ से पकड़ के ऐसे बिस्तर से नीचे कर दिया और अपनी पहियों वाली कुर्सी बढ़ाई, और उसकी पहियों वाली कुर्सी थी तो उसको ऐसे खींच लिया बढ़ाई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का की मदद लेती थी, तो उसको चलने फिरने में वो चल नहीं पाती थी तो उसके हिसाब से उसको पहिए वाली कुर्सी का ही वो क्या करती थी, उसको वही सहारा उसकी मदद करना पड़ता था। आज वह सभी काम स्फूर्ति से निपटाना चाहती थी। आज क्या हुआ, आज पूरा काम वो अपनी स्फूर्ति बहुत उत्साह से करना चाहती थी। कौन बच्चों? इस सुनीता। सुनीता को क्यों उत्साह था? आज पहली बार वो कहाँ जाने वाली थी, बाजार जाने वाली थी, और बाजार जाने वाली थी इसलिए वो बहुत खुश थी और उसने बिस्तर पर से अपने बेड टांगों से नीचे हाथ से रखा और उसने पहिया वाली कुर्सी निकाली, उसको खींचा और उसकी मदद लेके आज सभी काम उसको फुर्ती से निपटाना पड़ा। तो आज वो बोलती है ये पहिया वाली कुर्सी से उसको पूरा काम निपटाना है। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना यदि उसके लिए कठिन काम है, उसके बाद सुनीता को क्या क्या कठिन काम होता है बच्चों? वो अपने पैरों से कुछ काम नहीं कर सकती। तो यहाँ हमारा जो पॉइंट होता है वो याद रखना है, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना यदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। उसके बाद उसने क्या किया, अपने रोज का काम होता है और वो सुनीता ने यहाँ बताया है कपड़ा बदलना, जूते पहनना यदि उसके लिए कठिन काम है। क्यों कठिन काम है बच्चों? क्योंकि सुनीता अपनी पहियों वाले कुर्सी से ही पूरा काम करती है, क्योंकि वो अपने पैरों से कुछ काम नहीं करती। और वो हालांकि आज उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता था, कपड़े बदलना और जूते, और उसके लिए बहुत कठिन काम था। ये काम दोनों करना उसके लिए क्या था, बहुत कठिन काम था, पर ये रोजाना के काम के लिए वो स्वयं ही कई तरीका ढूंढ निकालती थी। वो काम उसका क्या था, दिल्ली का था, और वो अपना कुछ न कुछ तरीका ढूंढ लेती थी। क्यों बच्चों? क्योंकि हम भी कोई भी काम करें हमारा, तो हम किसी की हेल्प नहीं लेती है, एक दिन लेते हैं, दो दिन, पर रोज का होता है तो हमें हमारा काम खुद से ही करना है। तो ऐसा ही है, ये सुनीता का रोज का प्रॉब्लम था। तो उसने बोला कुछ न कुछ वो क्या है उसका हल वो ढूंढ निकाल ही देती थी। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। उसके बाद सुनीता कितने बजे तैयार हो गई, 8 बजे। 7 बजे उठती है और पूरा वो सोचती है आज उसको क्या क्या करना है, और उसको आज बाजार जाना था और वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसको बाजार से पूरा आज सामान लाना था इसलिए तैयार हो गई थी। और आज वो पहली बार खुद बाजार जा रही थी इसलिए उसको बहुत खुशी मिल गई थी, और वो अपनी पहियों वाली कुर्सी से ही पूरा काम करती थी। और वो उसने क्या किया, हालांकि उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी सुनीता को, उसको कपड़ा बदलना और जूते पहनना यदि, तो उसने क्या किया, ये सब कठिन काम था उसके लिए, पर उसका वो रोज का काम होता था सुनीता को, और वो अपना स्वयं वो ढूंढ लेती थी, अपना काम खुद से ही करती थी और वो स्वयं कुछ न कुछ हल कर लेती थी।
लास्ट में क्या बताया है, 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई, और 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। तो बच्चों यहाँ तक आपको स्टोरी लर्न करना है और आपको समझना है। हमारी कंटिन्यूस स्टोरी स्टार्ट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।